कि ये मूवी मार्वल की मूवी के लेवल की होगी, हमें इसका एक यूनिवर्स भी देख। तो इस लगभग साल भर हो गए हैं शक्तिमान के अनाउंसमेंट टीजर को रिलीज हुए, और वो भी सोनी पिक्चर के यूट्यूब चैनल में। 10 फरवरी 2022 को ये रिलीज हुआ था, जिसके बाद से इसमें कई बड़े एक्टर का नाम सामने आ रहा है, जिसमें ऋतिक रोशन, अल्लू अर्जुन, रणवीर सिंह का नाम है, जिसमें रणवीर सिंह का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन ये भी सिर्फ एक रूमर था। अभी तक इसके लिए लीड एक्टर को फाइनल नहीं किया गया है, और इसके बाद से ही सोनी पिक्चर वालों की तरफ से इसके बारे में कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन मुकेश खन्ना जी ने इसके बारे में कई ऐसे अपडेट दिया है जिसे जानकर आप खुश हो जाएंगे। मुकेश खन्ना जी ने ही बताया था कि इस मूवी के लिए लीड एक्टर के लिए किसी एक्टर को सिलेक्ट नहीं किया गया है, और ये भी बताया था कि इस मूवी की बजट 200 से 300 करोड़ होने वाली है। उसके बाद से उन्होंने इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया था। फिर सितंबर में 13 तारीख को जिस दिन शक्तिमान पैदा हुआ, यानी जिस दिन हमें टीवी पर दिखा था, उसी दिन उन्होंने शक्तिमान मूवी का अपडेट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि शक्तिमान मूवी को सोनी पिक्चर वाले बना रहे हैं, जिन्होंने स्पाइडरमैन और मार्वल की कई बेहतरीन मूवी को बनाया है। वो किसी मूवी को बनाने से पहले उसके स्टोरी के हर एक डिटेल पर अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके हर एक बारीक पर ध्यान देते हैं, फिर मूवी की शूटिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें टाइम लगता है और मूवी बेहतरीन बनती है। मुकेश खन्ना जी ने ये भी बताया कि ये मूवी मार्वल की मूवी के लेवल की होगी, और बॉलीवुड में अभी तक ऐसी मूवी नहीं बनी है। शक्तिमान मूवी के बारे में मुकेश खन्ना जी ने और भी बातें की है, जिसका वीडियो को आप खुद भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके बाद ये भी न्यूज आ रही थी कि इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर मिल गया है, जिसका नाम बशील जोशेफ है, जिन्होंने मीनल मुरली जैसे कमाल की सुपरहीरो मूवी बनाई है। लेकिन ये भी एक रूमर था, अगर ऐसा होता तो हमें इसका एक यूनिवर्स भी देखने को मिलता, और मूवी में मीनल मुरली का कैमियो जरूर देखने को मिलता। लेकिन शक्तिमान मूवी ऐसी मूवी है जिसमें किसी की कैमियो की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों में इसका इतना क्रेज है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी, लोग पागल है इसके लिए, बस अगर इसमें आदिपुरुष वाला सीन ना हो। लेकिन सोनी पिक्चर वाले ऐसे गलती नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि इसका कोई अपडेट कब तक आता है, और बताओ कि आप लोग इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो, और अगर कोई अपडेट इस मूवी से रिलेटेड आता है तो आपको इस चैनल में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।